सुने कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक लड़के को लड़की से नहीं कहनी चाहिए। मतलब आप बॉयफ्रेंड हैं, पापा हैं, चाचा हैं, मामा हैं, भाई हैं, फ्रेंड हैं, लेकिन अगर एक लड़का है तो प्लीज़ ये बातें लड़कियों से ना कहें, बुरी लग ही जाती हैं। तजुर्बा भी है और रिसर्च भी किया मैंने। कोई लड़की बड़ी अच्छी सी लग रही है, उसकी ड्रेस आपको बहुत अच्छी लग रही है, सिंपल सिंपल कॉम्प्लीमेंट दे दो, यू लुकिंग सो नाइस। लेकिन जब आप ये कहते हो कि हैव यू लॉस्ट वेट, तुमने वजन कम किया है क्या, इट्स हार्डली अ कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक लड़की ने डिक्लेयर किया है कि वो अब अपना वेट लूज कर रही है, उसके लिए तो ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन जिसने आपको ये नहीं बताया कि वो अपना वेट लूज कर रही है या करना चाह रही है, उसको शायद ये भी नहीं पता कि आपके हिसाब से वो ओवर वेट है, उसके लिए एकदम से रैंडम ये हैव यू लॉस्ट वेट इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ अवॉइड। जब तक एक लड़की पूछे ना, तब तक प्लीज़ पर्सनल कॉमेंट्स नो नो। ये लिपस्टिक तुम पे अच्छी नहीं लग रही, ये कैसा हेयर कट करा लिया यार, काजल में तो बिल्कुल झल्ली लगती है, प्लीज़ पर्सनल कॉमेंट्स ना करें, अच्छा नहीं लगता। माना कि आप कंसर्न है और आपको बहुत फिक्र है, ऑफकोर्स फ्रेंड है आपकी या बहन है आपकी, लेकिन ये सब कहना हाय हाय व्हाई आर यू लुकिंग सो टायर्ड, ये आंखों के नीचे गड्ढे क्यों हो रहे हैं, लुक एट योर आई बैग्स, रात को सो ही नहीं हो क्या यार, ये सब सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप ना बोले ना, अगर मतलब कोई थका हुआ है तो उसको पता है कि वो थका हुआ है, आपके ये बोलने से कुछ अच्छा नहीं लगता। आई अंडरस्टैंड आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन अगर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से या हस्बैंड अपनी वाइफ से ये कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह लगती हो, तो दैट इज़ हार्डली अ कॉम्प्लीमेंट यार, प्लीज़ यू आर एग्जैक्टली लाइक माई मॉम, मत कहिए। PMS का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। माना कि उस टाइम पे मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन सारा साल हम PMS नहीं करते हैं। तो अगर किसी लड़की का मूड ख़राब है या वो आपसे कुछ ऐसी बात कह रही है जो आपको लग रहा है अरे ये क्या हो गया, उस टाइम पे, उस मोमेंट पे प्लीज़ ये ना बोलें आई यू PMSing। बहुत इरिटेटिंग होता है, बहुत फ़र्क होता है दो चीज़ों में, क्या हुआ, अब क्या हुआ, वॉट इज़ इट, वॉट इज़ इट नाउ। जब कोई ये कहता है ना किसी लड़की को, तो बहुत गुस्सा आता है। वॉट इज़ इट नाउ का क्या मतलब है, कि सारा टाइम हम लड़ते रहते हैं, मतलब यू नो, इसलिए अपने वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज़ करने चाहिए। वॉट इज़ इट, कितना अंडरस्टैंडिंग सा क्वेश्चन। वॉट इज़ इट नाउ इज़ एन एलिगेशन यार। आप दोनों रेस्टोरेंट गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, आपने अपना खाया, उसने अपना खाया, फिर आपने पूछा तुमने वो सारा खा लिया यार, प्लीज़ क्यों, मतलब ये 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 इल्ज़ाम है, वो सारा खा लिया, मतलब कि बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू सजेस्ट इज़ इतना सारा था सब ख़त्म कर लिया, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये अच्छा भी नहीं लगता सुनने में। इसलिए आई अंडरस्टैंड कि आपका वो मतलब नहीं था, लेकिन इंसान जब बोलता है वो तो वही सुनाई देता है ना, तो तुमने वो सारा खा लिया। नेवर एवर, नेवर एवर 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 ये कभी मत बोलिएगा, तुम लड़की हो ये तुम पे सूट नहीं करता। डोंट मेक दो स्टेटमेंट्स, व्हाट डू यू मीन लड़की हो, मतलब इसमें तो पूरी बहस हो सकती है, बट नेवर एवर 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 तुम लड़की हो ये तुम पे सूट नहीं करता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लड़कों को ऐसा लगता है कि वो इस तरह के डायलॉग्स मारेंगे तो बड़े माचो लगेंगे, बट प्लीज़ लड़कियों को ये सुन के कभी अच्छा नहीं लगता, ये मैं करूँगा, ये लड़कियों के काम नहीं, वॉट इज़ लड़कियों के काम एंड वॉट इज़ लड़कों के काम, लाइक सीरियसली इन दिस एज दैट इज़ लाइक वेरी वेरी अनकूल, कभी मत कहा कीजिए ये लड़कियों के काम नहीं, ये लड़कियों पे शोभा नहीं देते, ये लड़की लड़का करना बंद कर दीजिए, आप खुद काम कर सकते हैं बिना कुछ कहे। जैसे कभी आपने नोटिस किया ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम ना सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, हम उसे बड़ा डाइल्यूट करते हैं, हम ये कह सकते हैं यू लुक सो नाइस यार, लेकिन हम ये बोलेंगे अरे तुम तो अपने एज के हिसाब से वैसी दिखती ही नहीं हो, अपने एज से तो बड़ी कम दिखती हो, या फिर यू डोंट लुक लाइक अ मदर ऑफ टू, अरे यार प्लीज़ यू कैन जस्ट से दैट यू जस्ट लुक सो चार्मिंग एंड नाइस, यू डोंट लुक लाइक योर एज इज़ हार्डली अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का गुड़ गोबर हो गया। सुने ये एपिसोड देखने के बाद ऐसे चले थोड़ी जाना है, सब्सक्राइब करना है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर नए वीडियो के बारे में पता चलेगा, अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे नोटिफिकेशन आ जाएंगी,
ऑफ कोर्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो ऐसे, और कमेंट पक्का पक्का पक्का। और ये मत सोचिएगा कि मैं बायस्ड हूँ, आज मैंने वो सारी बातें बोली है जो एक लड़के को लड़की से नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगले एपिसोड में वो बातें जो एक लड़की को किसी लड़के से नहीं कहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, बट उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार। एंड व्हाई डोंट यू राइट इट इन द कमेंट्स, कौन सी ऐसी बातें जब लड़की आपको कहती है तो आपको बुरा लगता है।